डाटा वैलिडेशन क्या है जी? डाटा वैलिडेशन जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर है जो कि यूजर को रिस्ट्रिक्ट करता है और प्रॉम्प्ट करता है कि जो क्रिएटर ने, उस शीट के क्रिएटर ने रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं डाटा एंट्री पे, उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए डाटा एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको एक, अब डाटा वैलिडेशन को हम प्रैक्टिकल मोड में देखते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। अब मेरे पास ये जो है एक इंडस्ट्री का डाटा शीट है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय सैलरी है, इन टाइम है एंड आउट टाइम है। अब हम वन बाय वन इन तमाम के तमाम कॉलम्स को अकॉर्डिंग टू हेडिंग जो है डाटा एंट्री करने के लिए डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब डाटा वैलिडेशन की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी सिर्फ आएगी इस डाटा सेट में जिसको हमने अंडर डाटा वैलिडेशन मेथड एक वैलिड डाटा एंट्री सेट के लिए स्पेसिफिक जो लिमिट है डाटा एंट्री की वो दी है। अब वो किस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लेट्स सपोज इफ आई एम अ क्रिएटर ऑफ दिस वर्कशीट तो मैं क्या करूंगा, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा, तो किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई की जाएंगी। कॉलम ए को मैं सिलेक्ट करता हूं, अब मैंने एम्प्लॉय आईडी पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो क्या करेंगे, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आप डेटा पे जाएंगे, डेटा टूल बार मेन्यू में डेटा टूल जो आपके पास टूल बार ग्रुप है इसमें डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट जो है वो शो होता है। अब ये पॉपअप पेज जो है ये क्या बताता है कि इसमें आप अलाउ करें इस एम्प्लॉय आईडी में रहते हुए कि आप कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू जो कि एम्प्लॉय की आईडी जो होती है वो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स में होती है, इसका मतलब वो होल नंबर में होती है, इसलिए हम इसको होल नंबर लिख देंगे। अब होल नंबर में यहाँ पे बिटवीन भी हो सकती है, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बट हमें अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय की आईडी होती है वह ना तो बिटवीन के फॉर्मेट में आती है, ना नॉट इक्वल के फॉर्मेट में आती है, ना इक्वल के फॉर्मेट में आती है, ग्रेटर और लेसर के फॉर्मेट में भी नहीं आती, तो ये होती है बिटवीन नंबर्स, तो बिटवीन लिख देंगे। अब मिनिमम नंबर क्या होने चाहिए, मिनिमम मैं कह देता हूँ जो आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए 2,50,000 अगर डिजिट है, अगर इसको हम पढ़ें 22,50,000 और मैक्सिमम जो हो वो 26,50,000 तक होना चाहिए ये आपका नंबर। अगर ये नंबर हम ये एक लिमिटेशन दे रहे हैं, उसके बाद इनपुट मैसेज क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं टाइटल में एम्प्लॉय आईडी, मैसेज लिख देते हैं जी प्लीज पुट द वैलिड एम्प्लॉय आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी शो होगी आपके, जब आप होवर करेंगे उस सेल में जिसमें आपने जो डाटा है वो लिखना है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वैलिड एम्प्लॉय आईडी पुट करें। अब यहाँ पे अगर हम बता दें कि फ्रॉम 2,50,000 टू 2,60,000 तक, और उसके बाद एरर दे दें नॉट वैलिड आईडी, उसके बाद एरर मैसेज लिख दें प्लीज पुट द वैलिड डेटा और मैं ओके कर दूं, तो अब मेरे पास इस कॉलम पे डाटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन लग गई है। जब मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो जो यहाँ पे मैंने इनपुट मैसेज लिखा था वो क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी लिखें प्लीज पुट द वैलिड एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,459 और ये मुझे क्या दे देगा, एक एरर दे देगा जो हमने एरर लिखा था नॉट वैलिड आईडी प्लीज पुट द वैलिड डाटा, और कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए ये हमने लिख दिया है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ये फिर मुझे एरर दे रहा है। अब क्यों एरर दे रहा है? अब आप सोच रहे हैं कि ये तो 25 से स्टार्ट हो रहा है, बट देखें यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर मैं इसी में से एक डिजिट कम कर दूं तो ये मेरा वैलिड डाटा बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 258903 3, इंटर करूंगा तो ये एक और डाटा आ गया। इसके बाद में अगर मैं इंटर करता हूं 26, ये भी आ जाएगा। अब अगर मैं 26 ट्राई 01 लिखूंगा तो नॉट वैलिड है, क्योंकि 26 टेट्रा 0 तक हमारा जो है वैलिड डाटा है। ओके, तो ये मेथड है जिसके जरिए से हम एम्प्लॉय आईडी पे डाटा वैलिडेशन लिखते हैं। अब एम्प्लॉय नेम जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये ऐसे होता है कि जब इसको हम डाटा वैलिडेशन पे लेके आते हैं, इसमें डाटा जो है, इसमें डाटा वैलिडेशन के लिए कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं या कौन से रूल्स लगते हैं, जब नेम हो, नेम जो होता है वो ऑलवेज टेक्स्ट में होता है, तो इसमें टेक्स्ट लेंथ को हम चूज करेंगे। बिटवीन जो है मिनिमम कितने करेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम एक करेक्टर हो सकता है, मैक्सिमम आपके अगर आप देखें तो आपको आईडी कार्ड पे या आपको पासपोर्ट पे या दूसरे जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे जब नाम लिखना होता है तो समटाइम ऐसे होता है कि करेक्टर्स लिखने की जो स्पेस होती है उन्होंने नीचे लिखा होता है कि आप 15 to 20 करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं या 10 to 15 करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जो लिमिटेशन है मैक्सिमम करेक्टर्स की, अगर मैं यहाँ पे 15 रख देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नेम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम होना चाहिए वो मैक्सिमम 15 करेक्टर्स रखता हो और मिनिमम वो एक करेक्टर भी रख सकता है। अगर 15 से ज्यादा आप करेक्टर यहां पे फीड करने की कोशिश करेंगे, अगर आप यहां पे 15 से ज्यादा करेक्टर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका वो जो डाटा होगा वो वैलिड नहीं रहेगा। इनपुट मैसेज लिखना है जी, प्लीज इनपुट दे वैलिड नेम लिखें, करेक्टर्स फ्रॉम 1 to 15। एरर लिख देते हैं जी, नॉट वैलिड, प्लीज एंटर द वैलिड डेटा क्या होना चाहिए, 1 to 15। ओके कर देते हैं। अब जब इस सेल पे हम आएंगे तो वो लिखेगा कि प्लीज, जब हम इस सेल पे क्लिक करेंगे तो हमें एरर शो होगा, या आप जब हम इस सेल पे आएंगे तो हमें ये ऑप्शन शो होगा, इनपुट ऑप्शन, जिस पे ये लिखा है जी प्लीज इनपुट द वैलिड नेम, वैलिड नेम लिखें, वैलिड नेम में करेक्टर्स कितने होने चाहिए, 1 to 15। आप 1 से 15 करेक्टर्स को यूज करते हुए नेम जो है लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहां पे लिखता हूं मोहम्मद अली रजा, एंटर करता हूं, अब ये करेक्टर्स जो हैं 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्पेसेस भी इंक्लूड होती हैं उसमें, और ये कितने करेक्टर हैं, 2 4 6 8 10 12 और 13 14 15 और 2 स्पेसेस 17, इसका मतलब ये 17 करेक्टर्स पे है। रीट्राई करते हैं, और अगर मैं रजा को इसमें से हटा दूं तो ये एक वैलिड नेम बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अली रजा लिखूं, दैट विल बी ओके, मोहम्मद रजा लिखूं, दैट विल बी ओके, इसका मतलब आपका जो एम्प्लॉय का नेम है जहां पे, उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि करेक्टर्स 1 to 15 होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही 15 करेक्टर्स में रहते हुए हमने नेम लिखना है।
एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री में वो एक नहीं होता, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके लिए जो डाटा वैलिडेशन की टेक्निक है वो ये है कि जब आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे तो एनी वैल्यू की जगह पे डिपार्टमेंट में हम लिस्ट शो करते हैं। जब लिस्ट शो करते हैं तो उसका सोर्स देना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सोर्स क्या है जी। अब चूंकि डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अगर उसको हम इसी शीट पर रखें तो डिपार्टमेंट्स के जो नेम है वो इस शीट पर होते हुए एक मैस क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से हमने एक अदर जो शीट है उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट से लिखे हुए हैं। तो उससे बचने के लिए हमने एक नेक्स्ट शीट जो है जिस पे हमने डाटा सेपरेटली सेव किया हुआ है डिपार्टमेंट्स की लिस्ट का, तो उस शीट पे जाएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे सोर्सेज पे और उस शीट पे जाएंगे तो वो डाटा जो है वो उस शीट पे जाने के बाद आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें जिसमें वो डाटा मौजूद है। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका जो है सोर्स एज ए सोर्स जो है वो डाटा सेव हो जाएगा। इनपुट मैसेज लिख देंगे जी, इनपुट मैसेज लिखेंगे जी प्लीज Enter the valid data please select from the drop down list, क्योंकि लिस्ट दिया तो उसमें से हमने बता दिया। एरर क्या आना चाहिए, एरर आ जाए नॉट वैलिड द डेटा, और एरर आए प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके पे क्लिक करते हैं। जब आप इन सेल्स पे होवर करेंगे तो आपके पास जो है डिपार्टमेंट लिस्ट जो है उसके लिए इनपुट मैसेज आ जाएगा, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट किस कहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट शो हो जाएगी। अगर मैं मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा मैनेजमेंट शो हो जाएगा, अगर मैं आईटी सपोर्ट सेलेक्ट करूंगा वो हो जाएगा। यहाँ पे मतलब हमें लिखने की नहीं ज़रूरत, वी जस्ट हैव टू चेक द रेलिवेंट डिपार्टमेंट। इस पे आऊँगा तो यहाँ पे फिर वही साइन शो होगा, मैं डिपार्टमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से हम जो डिपार्टमेंट है उस पर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी पर डाटा वैलिडेशन की टेक्निक को अप्लाई करने के लिए सेटिंग करेंगे। सैलरी जो होती है वो डेसिमल नंबर्स में आ सकती है, डेसिमल नंबर्स मतलब वो पॉइंट्स में भी नंबर आ सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, लेट्स सपोज 10,000 मिनिमम और 1,00,000 जो है वो मैक्सिमम हो सैलरी। प्लीज एंटर द वैलिड डेटा, इसी को कॉपी करके यहां लिख देते हैं फ्रॉम 10,000 to 1,00,000। एरर क्या आना चाहिए, नॉट वैलिड डेटा, एरर मैसेज क्या है जी प्लीज़ इंटर दी वैलिड डेटा। अब ओके कर देते हैं तो ये आपके पास जो है डाटा वैलिडेशन जो है इस पर अप्लाई हो गई है। अब इस पर लेके आएंगे तो वो हमारे पास इनपुट मैसेज देगा जी प्लीज़ इंटर दी वैलिड डेटा फ्रॉम 10,000 to 1,00,000। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9,576 तो ये होगा आपका नॉट वैलिड डेटा। अगर मैं 10,259 लिख दूं तो ये वैलिड डेटा हो जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम है वो 10,000 है। इसी तरीके से अगर मैं 1,00,000 लिख दूं तो ये भी आपका वैलिड डेटा है। अगर मैं 10,00,001 लिखूं तो ये वैलिड डेटा नहीं है, इसलिए इसको अगर मैं ये भी वैलिड नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हमारा वैलिड डेटा है। इन टाइम और आउट टाइम,
इस पे हम डाटा वैलिडेशन अगर दोनों पे लगाना चाहे नहीं लगा सकते इससे इकट्ठे, क्योंकि इन टाइम की लिमिटेशन और होती है और आउट टाइम की लिमिटेशन और होती हैं। अब इस पे इन टाइम पे लगाते हैं डाटा वैलिडेशन, तो ये सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे वैल्यू जो है ये टाइम होना चाहिए, स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए इसका, स्टार्ट टाइम होगा इसका 8:30 कह दें, एंड टाइम 9:15। इसका मतलब यह है कि 8:30 AM पे आपका इन टाइम स्टार्ट हो और 9:15 AM पे जो इन टाइम है वो एंड हो जाए। इनपुट मैसेज, प्लीज एंटर द वैलिड डेटा, फ्रॉम 8:30 to 9:15। एरर आ जाएगी, नॉट वैलिड डेटा, प्लीज इंटर द वैलिड डेटा। ओके करते हैं, फिर जब इस पे लेके आएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेटा सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहिए, अब यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक फीड कर सकते हैं, इनपुट ऑप्शन में आ रहा है जी 8:30 से 9:15 तक। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 8:25 तो ये मुझे एरर शो कर देगा, 8:35 लिख दूँ तो ओके है, 9:10 लिख दूँ तो ओके है, 9:15 लिखूँ तो भी ओके है। सेम इसी तरीके से आउट टाइम पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, सेटिंग पे जाता हूँ टाइम, स्टार्ट टाइम, अब जो आउट टाइम है वो कब से कब तक होगा, लेट सपोज वो स्टार्ट होता है 5 पे, तो जो यहाँ पे एम पी एम का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने इसको 24 आवर फॉर्मेट में ही लिखना है, हमने इसको 12 आवर फॉर्मेट में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 17:00 5 बजे से 17:30, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से 5:30 बजे तक का टाइम रख दिया। अब टाइटल लिख देता हूँ, प्लीज़ इनपुट द वैलिड डेटा, वैलिड डेटा क्या है, फ्रॉम 8:00 AM पे आ जाते हैं, प्लीज इनपुट द वैलिड डेटा, ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इनपुट ऑप्शन आता है जी, वैलिड डेटा पुट करें 17 से 17:30 तक का, तो इधर लिखते हैं 17:10, 17:20, 17:25। तो इस तरीके से हम इन और आउट टाइम जो है उस पर भी डाटा वैलिडेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम रिस्ट्रिक्टेड करते हुए जो शीट वर्कशीट को यूज़ करने वाला है उसको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इस जो स्पेसिफिक कॉलम है उसमें हम रेलिवेंट डाटा कैसे फीड कर सकते हैं।